चलो एवरी वन शुड एटलीस्ट वंस विजिट दिस प्लेस, क्योंकि इनको नॉलेज है प्रॉपर और ये जो कर रहे हैं वो ये जानते हैं. जस्ट लूज एन अप, लूज कर लो बस, ब्रीदिंग करें, ब्रीद आउट. सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा करेंगे हम लोग, C2, C3, C1. Lie down straight. Face up, see the girl. See the girl. ये आपका सबसे लोअर मोस्ट C6, C7 सबसे बेस जो होता है. That's okay. स्लाइडिंग सेट डाउन, बस थोड़ा ऊपर जाए, हल्का सा ऊपर जाए, दोनों घुटने मोड़ ले. यहाँ चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हैं. गर्दन इसके अंदर डाल ले, वो बना गर्दन डाल, ठीक है. उठने की कोशिश करिए, सांस लें, छोड़ दें. यहाँ रख दें हाथ को, दैट्स राइट. इसके अंदर थोड़ा सा रख जाएं पीछे हल्के से, ठीक से. राइट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in, breathe out. Breathe in, out. Breathe in, out. Yes. Stay there. The ribs ke liye. Loose, loose. Stay there, stay there. Don't do anything, don't do anything. Breathe in, out. Breathe out. यू गॉट अ वेरी गुड पल्विस. आपके दोनों ये गड्ढे हैं ना, दोनों बराबर हैं. नहीं नहीं, इट्स इट्स वेरी गुड एक्चुअली. हाँ, दिस इज वेरी गुड. ना इट डजेंट मैटर. प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. दिस इज आर इक्वल, दिस सपोज टू बी इक्वल. दोनों बराबर हैं, राइट. तो ये दोनों गड्ढे बराबर होने चाहिए. परफेक्टली यू गॉट अ वेरी गुड बैक एक्चुअली. को टेक्निकली बोलते हैं PSIS, पोस्टीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन. तो दोनों टेक्निकली बराबर हैं. ये सब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. अभी तक ये सोचते थे कि मेरे को है ज़्यादा है, ये सोचते थे. लेग थोड़ा छोटा है राइट वाला, बस हल्का सा. वो साइड टाइटनेस की वजह से है, मसल टाइटनेस की वजह से है. हल्का सा शॉर्ट है, इफ़ यू कुड सी दिस, राइट ना. इसको अलाइन करेंगे हम लोग. हाँ, नीज काफ़ी सही है. लूजा इजी.
ये एम एफ आर मायोफेशियल लीज था ये ये फेशिया होता है एक्चुअली ना, स्किन की लेयर होती है तो ये टाइट रहती है तो बैक टाइट हो जाती है, तो मैंने लीज कर दिया उसको। या नाउ स्ट्रेट सीधा ले आप, not on this side. ये जो वाला, ये वाला पल्विक टिल्ट है, इसको फिक्स कर गए हम लोग। ये वाला शॉर्ट था, ये वाला पल्विक टिल्ट है, इस तरफ ऐसे पकड़ ले, बाजू से ऐसे पकड़ ले, गर्दन टिका दीजिए नीचे, इसको चेस्ट पे रख दें आप, इसको 60 डिग्री पे बेंड कर दें, बस 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 यहाँ पर, दैट्स राइट। कम आ जाए आगे, सांस लें छोड़ दें, सांस लें छोड़ दें। कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन कमिंग, दैट्स राइट, बस यहीं छोड़ दें। वन मोर लोअर करेंगे, लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन किया, लोअर पोर्शन करूँगा, डीला छोड़ दें, कम ऑन, सांस लें छोड़ दें, सांस लें छोड़ दें, यस, हाथ पीछे से पकड़ लें इस तरीके से पकड़ लें, यस, लिफ्ट करेंगे थोरासिक लिफ्ट हम लोग, पीछे आ जाइए, सांस लें छोड़ दें, यस, छोड़ दीजिए नीचे हाथ को, इसको सीधा कर दें, ठीक है, ये फोल फोल के हो गया है। अच्छा ये ऐसे फोल फोल के हो गया, मत करो मत करो, अनस्टेबल हो गया, ये ढीला हो गया, अनस्टेबल, उंगली चटकाने की आदत हो गई है, चटकाने वाला चैनल है ना, तो सारा दिन चटकाते रहते की वाला बड़ा था की वाला बड़ा था पता है, इसकी टिप सीधी है, आपकी टिप हल्की सी टेढ़ी है, मुझे पता है, किसी को नहीं पता नीचे सांस लें, सांस छोड़ें, ढीला छोड़ें, धीरे धीरे सांस, तीन उंगलियां दीजिए सेंटर में, सीधा रखिए, इसको नीचे छोड़ दें, तीन उंगलियां सीधा सेंटर में डालें,
छोड़ो, यहाँ आपको बीट नहीं सुनाई देगी, बीट हल्का सा था वो, बस ये बीट है आपको। तो जो नेवल है इट्स हैज शिफ्टेड टुवर्ड अप साइड, थोड़ा ऊपर चले गए, राइट। सो इसको हम इस्तेमाल लाएंगे तो आपको बड़ी बीट सुनाई देगी, सो दैट इज़ अ नेवल एक्चुअली। टेक्निकली साइंटिफिकली तो कुछ नहीं होता ये, राइट, बट इसको लोग करते हैं, इसको फ़र्क भी पड़ता है। हम इसको ऑस्टियोपैथी मेथड से कुछ करते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कोई भी, ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई रिसर्च है, बट इट डज़ वर्क। इसका साइड इफेक्ट नहीं, बट हाँ अगर नेवल हिली है, व्हाट आई बिलीव पीपल बिलीव एंड वी आल्सो बिलीव, अगर नेवल हिली है तो डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, हार्मोनल इश्यूज आते हैं, सेक्सुअल इश्यूज आते हैं, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जुड़ी होती हैं। नेवल का पोजीशन ऊपर हो गया है, राइट। अगेन इसके पीछे कोई एविडेंस डाटा नहीं है, बट इसको करने से रिलीफ आता है, इसको कर करके प्रैक्टिस आती है, हाँ इम्प्रूवमेंट आता है इससे। अभी अपने पंजा जो है पाँव के ऊपर नीचे करने हैं, जब ब्रीद इन करना है ऊपर और ब्रीद आउट करना है तो नीचे। चलिए ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट, दैट्स राइट। डीला 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 डीला। अब राइट वाले घुटने को मोड़ लीजिए, रिलैक्स, अब सीधा करना धीरे धीरे करके, राइट, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, घुटने दोनों मोड़, हाँ रख लीजिए नीचे मोड़ के, बस दैट्स राइट, इजी 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 इजी, दैट्स ओके, इजी जोड़ दें। पाँव सीधे कर दें, ढीला छोड़ दें, बॉडी सांस लें गहरा, छोड़ दें, अब बीट सेंटर में आ गई है, मेरा हाथ भी देखिए हिल रहा है अब तो। अब देखिए तीन उंगलियों से डाल के देखिए, सेंट्रलाइज्ड आपको लगेगी, पहले फील भी नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा, अब फील हो रहा है। वो मैं हरीश जी का पहले से बहुत बड़ा फ़ैन था, उनकी वीडियोस देख के, और सोचा था कि इंडिया में कैरोप्रैक्टर्स क्यों नहीं है, पहले तो बाहर के कैरोप्रैक्टर्स वीडियोस देख के मेनली, जब इनको देखा तो तब से मन था कि इनके पास आओ, बिकॉज ही हैज़ अ प्रॉपर नॉलेज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही एक्सप्लेन्स टू यू एज अ पेशेंट कि वॉट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। तो वो चीज़ मुझे इनके सबसे अच्छा लगता है, और जैसे वीडियोज मैंने देखे हैं, वैसे तो यहाँ आके तो पूरा शरीर झंझना गया मेरा। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ द होल दिस प्रोसेस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, एंड ये लेने के बाद मुझे बहुत ही यस आई नीडेड एंड आई नीडेड रेगुलरली आई फील, और लोगों को भी ये चीज़ कराना चाहिए, क्योंकि जब ये कराओगे तभी पता चलेगा, पहली बात तो जैसे मुझे पता चल रहा है, ये जो खास करके जो पीठ का जो इन्होंने फोड़ा टिश्यू का, वो बहुत रिलीफ दे रहा है, मतलब जो जो पेन नहीं थे वैसे रिलीफ लग रहा है, आज पूरे दिन का थकान, मेन चीज़ है कि हाँ। और ये डिटेल में बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या जगह पे आपको क्या चीज़ है, तो वो चीज़ हेल्प होता है काफ़ी। हाँ जस्ट मेडिसिंस, मेडिसिंस शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट, एंड वॉट ही इज डूइंग इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वॉट लाइफ चेंजिंग। फर्स्टली व्हेन ही एग्जामिन्ड मी ही सेड आई हैव नो प्रॉब्लम्स, एंड इट इज़ नॉट अ फैक्ट दैट वन हु हैज़ प्रॉब्लम नीड्स टू बी हैविंग अ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, दिस इज़ फॉर एवरी वन।
तो जिनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है वो डरे भी नहीं कि जिसको प्रॉब्लम है वही करवा रहा है, कोई भी आगे करवा सकता है और ये मंथली बेसिस पे करवाने पे हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म में। और मैं भी श्योरली अभी अगले हर महीने आने वाला हूँ मुझे लग रहा है। पोस्चर्स तो सबके रॉन्ग रहते हैं। हाँ, और लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म पोस्चर्स तो एवरीडे हैबिट की वजह से बिल्ड होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो आपके बॉडी को तो अफेक्ट कर ही रहा है। चलो, एवरीवन शुड एटलीस्ट वंस विजिट दिस प्लेस क्योंकि इनको नॉलेज है प्रॉपर और ये जो कर रहे हैं वो ये जानते हैं।